Click the bell icon to get latest videos from Ikeda. हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम शुभारंभ करने वाले हैं क्वेश्चंस का. यस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर. आपका जो सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स, वो ऑब्वियसली एमसीक्यू पैटर्न का क्वेश्चंस पेपर आपका आता है और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है. आपको ध्यान देना होगा कि आप कोई भी गलत आंसर टिक नहीं करें. इसीलिए इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 थियरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, उसका जो यूनिट 1 है उसमें स्पेसिफिकली डिमांड से रिलेटेड बातें हम करने वाले हैं. उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं. जिन्होंने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे उनको यहां पर समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक एक आंसर को इवैल्यूएट करते हैं. आंसर अगर सही है तो वो क्यों है और बाकी क्यों नहीं है ये भी हम देखते हैं. कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है. इस तरीके से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन हम यहां पर इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे. आइए स्टार्ट करते हैं. थियोरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में सिर्फ डिमांड से रिलेटेड उसका लॉ, उसका मीनिंग और उससे अदर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड टॉपिक्स के बेस्ड क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं. लेट्स स्टार्ट. सो दोस्तों, यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है, एमसीक्यू है. ठीक है, तो बस आप ये ध्यान रखिए कॉन्सेप्ट आपको याद रहे. कॉन्सेप्चुअली अगर याद है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या शुभारंभ हो रहा है. सो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ऑब्वियसली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है, ये आपका सब्जेक्ट क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स है. यस, बिजनेस इकोनॉमिक्स में चैप्टर 2 थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, उसमें भी हम कहाँ पर आ चुके हैं? मैंने आप जैसे कि आपको बताया यूनिट 1 है. यूनिट 1 में हम डिमांड, उसका लॉ यानी कि लॉ ऑफ डिमांड, मीनिंग और अदर्स, सिर्फ यही कवर कर रहे हैं. ऐसा क्यों सर? यूनिट 1 में तो एक और चीज़ कवर की गई है जिसको कहा जाता है सर इलास्टिसिटी. यस, इलास्टिसिटी बोला जाता है, उसको हमने यहाँ पर कवर नहीं किया है, वो बाद वाले वीडियोस में आएगा. यहाँ पर हम सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे. कौन कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड? तो अगर आपने ध्यान दिया हो पुराने वीडियोस में, तो एक्सेप्शंस भी होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के साथ में. रैशनली भी हमने पढ़े हैं. यस, रैशनली के साथ में हमने पढ़ा है क्या क्या फैक्टर्स है या फिर डिटर्मिनेंट्स है जो यहाँ पर इंडिविजुअल मार्केट डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं. इतना ही नहीं, हमने टाइप्स ऑफ गुड्स बहुत ज़्यादा पढ़े हैं. तो आप ध्यान रखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ गुड्स में बहुत इंपॉर्टेंट दो गुड्स है जो आपको याद रखने हैं. एक तो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं और साथ में एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है. राइट, अगर ये गुड्स आपको याद रहते हैं तो इन पर बहुत क्वेश्चन आते हैं. ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से क्लियर रखिएगा. तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं. चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके इस चैप्टर के ऊपर, और हम एक एक यहाँ पर लॉजिकली आंसर को इवैल्यूएट करते हुए आगे बढ़ेंगे. चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन. तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर. ठीक है, क्वेश्चन इजी होना चाहिए मेरे ख्याल से पहला. यस, डिमांड फॉर अ कमोडिटी रिफर्स टू, डिमांड पूछा है सिर्फ. इन्होंने बोला है कि कोई भी कमोडिटी की अगर डिमांड आपको बतानी है, राइट, तो आप कैसे बताएंगे उसको? डिमांड फॉर अ कमोडिटी रिफर्स टू, चलिए देखते हैं सबसे पहला ऑप्शन क्या है. डिजायर बैक्ड अप बाय एबिलिटी टू पे फॉर द कमोडिटी. मेरे ख्याल से हम यहाँ पर हाईलाइट करते जाते हैं. देखिए, डिज़ायर बैक्ड अप बाय एबिलिटी टू पे, तो एबिलिटी टू पे और डिज़ायर, इन्होंने दो चीज़ें यहाँ पर ली है. ठीक है, ये हमसे क्या पूछ रहे हैं? डिमांड किसे कहते हैं, एक तरीके से कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, हमसे ये पूछा जा रहा है. बी, नीड फॉर द कमोडिटी एंड विलिंगनेस टू पे फॉर इट. ओके, दो चीज़ें यहाँ पर ऊपर ली हैं और यहाँ पर क्या कवर किया गया है? यहाँ पर लिया गया है विलिंगनेस टू पे. ओके, ठीक है. तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है देखते हैं. द क्वान्टिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी एट अ सर्टेन प्राइस. अब इस पॉइंट में उन्होंने क्या कवर किया है? क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब क्वांटिटी ले लिया उन्होंने और साथ में उन्होंने प्राइस भी ले लिया है. ठीक है, मतलब कुछ कुछ चीज़ें कवर हो रही है बट सारी चीज़ें कवर नहीं हो रही है. मेरे ख्याल से डी पॉइंट कंप्लीट आना चाहिए. लेट्स सी, द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, यस, डिमांडेड एट अ सर्टेन प्राइस, वेरी गुड, ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. मतलब सब चीज़ें आ गई, मुझे तो लग रहा है सब चीज़ें आ गई है. क्वांटिटी यहाँ पर कवर हो गया है, प्राइस यहाँ पर आ गया है और पीरियड ऑफ टाइम भी यहाँ पर आ गया है. वेरी गुड, ठीक है. तो चलिए हम देखते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. अगर कोई भी मुझे डिमांड को एक्सप्रेस करना है, बताना है कि डिमांड कितनी है, कैसे है, तो उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो मुझे चाहिए ही चाहिए. डिज़ायर और एबिलिटी से काम नहीं चलता है, विलिंगनेस भी साथ में चाहिए. ये इनकम्प्लीट है, ये भी इनकम्प्लीट है. अगर क्वांटिटी ले रहे हैं और प्राइस ले रहे हैं तो टाइम भी तो चाहिए साथ में, तो यहाँ पर टाइम नहीं है इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं है. बराबर बात है. यहाँ पर क्या हो रहा है? क्वांटिटी ले ली, टाइम ले लिया और प्राइस भी ले ली. वेरी गुड, तो मतलब तीनों चीज़ें हमारे पास में यहाँ पर आ चुकी है, इसलिए हमारा आंसर होना चाहिए यहाँ पर डी, जो कंप्लीट तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है डिमांड फॉर अ कमोडिटी को. और देखिए आपको स्क्रीन पे दिखेगा, यस, यही हमारा आंसर है.
राइट। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर वन। इस तरीके से हम चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू है आपके सामने, लेट्स सी क्या बोल रहा है क्वेश्चन। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ, ओके कॉन्ट्रैक्शन पूछा गया है। सो ऑप्शंस तो हम पहले देखते ही नहीं है, पहले हम थोड़ा सा ये देख रहे थे कॉन्ट्रैक्शन है क्या। तो सर हमने कॉन्ट्रैक्शन देखा था, साथ में हमने समझा था सर एक्सपेंशन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन के लिए सर हमने ये सिंबल्स याद करे थे जो आपने करवाए थे, और एक्सपेंशन के लिए हमने ये किया था। और अगर हम प्रॉपर ग्राफ की बात करेंगे तो इस तरफ अगर बढ़ता है तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं एक्सपेंशन होता है, और अगर इस तरफ बढ़ता है तो उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्यों सर? हॉरिजॉन्टल पे यहाँ पर क्वांटिटी हम प्लॉट करते हैं, तो क्वांटिटी जब इंक्रीज होती है ना तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंड हो गई। और जब क्वांटिटी कम होती है तो हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो गई। ये रिविजन हो गया, आपको कॉन्सेप्ट याद आ गया होगा आपको, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज के साथ में कन्फ्यूज मत करिएगा इसको। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, ओके। इनका कहना है कि अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम हुई है, कम हुई है मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुई है यहाँ पर, तो कॉन्ट्रैक्ट हुई है मतलब कि उसके कंज्यूमर्स कम हुए हैं क्या, ये रीज़न हो सकता है क्या। या फिर बी, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड कंसर्न्ड, ओके। तो प्राइस इंक्रीज हुई होगी तो क्या हुआ होगा, प्राइस इंक्रीज हुई है तो उसकी जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज हुई होगी, मतलब कि हमारा जो क्वांटिटी डिमांडेड है तो डिमांड हमारी कम हुई होगी, ओके ठीक है, लॉजिकल तो लग रहा है। और ऑप्शन देखते हैं, सी, इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स, ओके। दूसरे गुड्स की प्राइसेस अगर कम हुई होगी, मतलब इसको हम बोल सकते हैं रिलेटेड गुड्स की अगर प्राइस कम होगी तो मेरी क्वांटिटी तो बढ़नी चाहिए ना, पर यहाँ पर तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो ये तो थोड़ा बाहर ही लग रहा है सर, इसको बाहर रखते हैं अभी, ठीक है। डी ऑप्शन क्या है, डिक्रीज इन द इनकम ऑफ द परचेसर, ओके। तो इनकम ऑफ परचेसर को यहाँ पे अगर हमें देखना है तो अगर वो कम हो रही है तो कॉन्ट्रैक्शन होगा क्या। चलिए अब इसमें एक अच्छी लॉजिकल बात करता हूँ, आपको जान के खुशी होगी। मैं ऑप्शन नंबर सी को और डी को बाहर निकाल रहा हूँ, पर इसके पीछे रीज़न क्या है। इसके पीछे रीज़न ये है बच्चों कि मैं बात कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के बारे में। इन दोनों में लॉ ऑफ डिमांड ऑब्वियसली फॉलो हो रहा है। लॉ ऑफ डिमांड में कुछ अजम्पशन होता है कि हमें दूसरे जितने भी फैक्टर्स हैं उनको कांस्टेंट रखना है। दूसरे फैक्टर्स में क्या रिलेटेड प्राइस नहीं आता है प्रोडक्ट्स का और इनकम नहीं आता है, तो इनको तो कांस्टेंट रखना है ना, इनके ऊपर नीचे होने से मेरा कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए मैं सी और डी को बाहर कर रहा हूँ। हम बात करेंगे ए और बी के बारे में, ठीक है। ए बोल रहा है कि डिक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर, अगर मेरे कंज्यूमर्स कम होंगे इसकी वजह से मेरी क्वांटिटी कम होती है, ऐसा कोई रीज़न है क्या? नहीं, यहाँ पर हम क्वांटिटी डिमांडेड की बात कर रहे हैं। तो अगर मेरे प्रोडक्ट की गुड्स कंसर्न लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब जिस प्रोडक्ट की मैं डिमांड पता करना चाह रहा हूँ, अगर उसकी प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है, तो मेरी क्वांटिटी कम हो जाएगी ना। तो क्वांटिटी डिमांडेड मतलब यहाँ पर मेरी कम हो जाएगी, इस तरफ जाएगी, जिसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। आइए देखते हैं एग्जांपल में हमारा यहाँ पर जो हमने समझा था आंसर क्या आ रहा है। यस, बी, मतलब कॉन्ट्रैक्शन अगर हो रहा है तो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आपकी क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है, इसलिए उसको कॉन्ट्रैक्शन बोला गया है, और यही हमारा आंसर है। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर टू, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थ्री। आप सभी यहाँ पर क्वेश्चंस को देखने से पहले ही आप उनको अपने माइंड में पढ़िए और मेरा आंसर बाद में देखिए, तो आपका सही रिवीजन होगा, आपका सिर्फ वीडियो प्ले नहीं होगा, आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। ऑल बट वन, क्या बोल रहा है, ऑल बट वन, मतलब कि इनमें जितने भी ऑप्शंस आएंगे हमारे सामने उनमें से सब कुछ ना कुछ होंगे, बट एक चीज़ नहीं होगी, ठीक है, क्या नहीं होगी। ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग आर अज्यूम्ड टू रिमेन द सेम, ओके, मतलब फैक्टर्स की बात कर रहे हैं सर ये। वाइल ड्रॉइंग एन इंडिविजुअल डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी, विच इज़ इट, इनका कहना है कि हम यहाँ पर आपको उन चीज़ों के नाम दे रहे हैं जिनको कांस्टेंट रखा गया है जब हम डिमांड कर्व बनाते हैं, तो बट इनमें से ना एक चीज़ है जिसको कांस्टेंट नहीं रखा जाता है। तो कांस्टेंट किसको नहीं रखा जाएगा, हम रिलेशनशिप डिमांड में किसकी देखते हैं, प्राइस की और डिमांड की, मतलब कि क्वांटिटी की, बराबर। तो प्राइस ऊपर नीचे होता है तो हम देखते हैं क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, मतलब एक ही चीज़ है सर जो कांस्टेंट नहीं रहती, वो प्राइस है, इसमें इतनी सोचने वाली बात क्या है। जैसे ही हमको ऑप्शन में से प्राइस दिखेगा ना, हम उसको सिलेक्ट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, इतने कॉन्फिडेंट देख लेते हैं। पहला, प्रेफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल, हिज मॉनेटरी इनकम, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एंड डी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ओके। ये हमारा एक फैक्टर है जिसको कॉन्स्टेंट होना चाहिए,
इनकम कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेफरेंस ऑफ इंडिविजुअल कांस्टेंट होना चाहिए, बट प्राइस ऑफ द कमोडिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो फिर यहाँ पर कर्व कैसे बनेगा, राइट? इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, ये होगा प्राइस ऑफ द कमोडिटी। पर सर एक और चीज़ बता दीजिए, दूसरे फैक्टर्स और कौन कौन से हैं जिनको कांस्टेंट होना चाहिए? हमने एक डिमांड फंक्शन पढ़ा था सर, यस, डिमांड फंक्शन में हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी। जैसे हमने देखा था कि इनकम ऑफ कंज्यूमर तो होना ही चाहिए, रिलेटेड कमोडिटी के प्राइसेस भी कांस्टेंट होना चाहिए, टेस्ट और प्रेफरेंसेस कांस्टेंट होना चाहिए, कंज्यूमर की जो एक्सपेक्टेशन है सर वो भी कांस्टेंट होना चाहिए, इतना नहीं सर एडवर्टाइजमेंट का भी जो खर्चा है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब अदर पॉइंट्स। इस तरीके से इतने सारे फैक्टर्स हैं जो कांस्टेंट होना चाहिए, और क्या नहीं रहेगा वो ऑब्वियसली प्राइस नहीं रहेगा। आइए देखते हैं आंसर क्या है हमारा, यस सी पॉइंट, बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है सी पॉइंट। 3 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर होते हैं, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4 हमारे लिए क्या लाया है। Which of the following pairs of goods is an example of substitutes? इनका कहना है कि आप तो बस हमें ये बता दीजिए कि substitute goods कौन से हैं इनमें से। तो सर हमको तो बता होना चाहिए ना पहले substitute goods क्या है। Yes, substitute goods वो goods होते हैं बच्चों जो same nature के लिए use किए जाते हैं, जिनका purpose same होता है, right? लोग किसी एक ही product को prefer करेंगे, दोनों को prefer नहीं करेंगे, right? दोनों के price में कोई भी चेंज आएगा तो वो दूसरे की क्वांटिटी में चेंज लाएंगे, ठीक है? एक ओरिजिनल है और एक हमारा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, ये सब चीज़ें होती हैं सर। और सब्स्टिट्यूट किसके ऑपोजिट होते हैं, ये ऑपोजिट होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हमको समझ में आ गई है, रिविजन हो गया है। आइए देखते हैं क्या क्या है हमारे पास में। टी एंड शुगर, ओके, टी एंड कॉफ़ी, पेन एंड इंक, शर्ट एंड ट्राउजर्स, ठीक है? तो यहाँ पे हमें देखना होगा सबसे पहले टी एंड शुगर, चाय और शक्कर, क्या दोनों एक साथ एक दूसरे के लिए एक दूसरे की जगह यूज़ किए जा सकते हैं क्या? नो। टी और शुगर किसका एग्जांपल है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल है। चाय के बिना शक्कर नहीं, शक्कर के बिना चाय नहीं, ठीक है? वो बात अलग है, जो लोग बिना शुगर के प्रेफर करते हैं तो वो बिना शुगर के प्रेफर करते हैं, बट जनरली ऐसा बोला जाता है। टी एंड कॉफ़ी लग रहा है सर दोनों एक दूसरे के राइवलरी है, कॉम्पिटिंग गुड्स हैं, एक दूसरे के जगह यूज़ किए जा सकते हैं, कुछ लोग कॉफ़ी प्रेफर करते हैं, कुछ लोग चाय प्रेफर कर सकते हैं। पेन एंड इंक अगेन ये कॉम्प्लीमेंट्री है, पेन और इंक, अगर पेन के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो इंक का क्या होगा, इंक की क्वांटिटी कम हो जाएगी, ठीक है? सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, हमने देखा है सब्स्टिट्यूट गुड्स में जो फंडा चलता है वो कैसा चलता है कि अगर एक के प्राइसेस बढ़े तो दूसरे की क्वांटिटी बढ़ जाती है, मतलब इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो ये तो इनडायरेक्ट हो रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ऑब्वियसली ये तो है ही नहीं। शर्ट एंड ट्राउज़र दोनों सेपरेटली भी बेचे जाते हैं, कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं, तो इसको हम अलग हटाते हैं। ओके, सो हमारा आंसर ऑब्वियसली हमको दिख रहा है टी एंड कॉफ़ी, ये सब्स्टिट्यूट का बेस्ट एग्जांपल है। आइए देखते हैं क्या यही है, यस, टी एंड कॉफ़ी, क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ये सोल्यूशन हो गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5th क्वेश्चन लाया है हमारे लिए क्या। द लॉ ऑफ डिमांड अज्यूमिंग अदर थिंग्स टू रिमेन कॉन्स्टेंट एस्टेब्लिशेज द रिलेशनशिप बिटवीन। बहुत ही चिंदी क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि ये हमसे पूछ रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो किन दो के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करता है। अरे एक प्राइस है और एक क्वांटिटी है, इसमें तो सोचने वाली बात क्या है। देखिए ऑप्शंस क्या है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड द क्वांटिटी ऑफ गुड डिमांडेड बाय हिम, नो। प्राइस ऑफ अ गुड एंड क्वांटिटी डिमांडेड, यस, यही हो सकता है अगर आगे कुछ नहीं आया कुछ। प्राइस ऑफ अ गुड एंड डिमांड फॉर इट सब्स्टिट्यूट, नो। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड एंड द रिलेटिव प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड, नहीं यार कॉम्प्लीमेंट्री की बात नहीं कर रहे हैं हम, सब्स्टिट्यूट की बात नहीं कर रहे हैं हम क्वांटिटी और इनकम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करेंगे प्राइस के बारे में और क्वांटिटी के बारे में। हमारा आंसर डेफिनेटली यहाँ पर बी होना चाहिए, और जो है और क्वेश्चन नंबर 5th भी हमारा यहाँ पर फिनिश होता है दोस्तों सक्सेसफुली। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाला है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। सपोज द प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीजेस, ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हाईलाइट करते जाते हैं। अगर पेप्सी के प्राइजेस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, वी विल एक्सपेक्ट द डिमांड कर्व ऑफ कोको कोला टू। ये हमसे पूछ रहे हैं, पेप्सी के प्राइस हमने बढ़ाए, आप हमको बताइए कोको कोला का डिमांड कर्व क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो प्रोडक्ट क्या है हमारे सामने, पहला प्रोडक्ट है पेप्सी और दूसरा प्रोडक्ट है कोको कोला, और हमसे पूछा है कोको कोला का डिमांड कर्व के बारे में क्या होगा। पहले इन दोनों प्रोडक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है पहले वो लिखिए आप क्लियरली। बोथ ऑफ देम आर सब्स्टिट्यूट्स, यस, दोनों सब्स्टिट्यूट्स हैं अपने आप में,
ठीक है, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है एस्टेब्लिश कर लीजिए, कन्फ्यूजन नहीं होगा, पहले लिख लीजिए आप। प्राइस ऊपर नीचे होती है तो क्वांटिटी उसके हिसाब से निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस किसकी इंक्रीज़ हो रही है, पेप्सी की, ठीक है। तो पेप्सी की अगर प्राइस इंक्रीज़ हो रही है यहाँ पे, ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है क्वांटिटी का क्या होगा, कोको कोला का जो क्वांटिटी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूट है, एक की जगह दूसरी यूज़ किया जा सकता है। अगर पेप्सी के प्राइस बढ़ रहे हैं तो लोग कोको कोला प्रेफर करेंगे, वो ये पीना चालू कर देंगे, तो क्या इसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी? यस, इसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर तो हमारे पास में आ गया कि डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, बट इन्होंने हमसे ये नहीं पूछा है कि डिमांड का क्या होगा, इन्होंने पूछा है कि कर्व का क्या होगा। ओके, तो हमको ये समझना होगा कि कर्व किस तरीके से आंसर हो सकते हैं हमारे। यहाँ पर एक हमने पढ़ा है इंक्रीज़ और डिक्रीज़, एक हमने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन दे आर रिलेटेड टू क्वांटिटी, ठीक है, जहाँ पर सब दूसरे जितने भी फैक्टर्स है वो सब कांस्टेंट है। इंक्रीज और डिक्रीज में दूसरे फैक्टर्स कांस्टेंट नहीं होते हैं, तो यहाँ पर ऐसा तो कुछ बात आई नहीं है, तो हम इन दोनों को तो बाहर रख देंगे, ठीक है। तो जब मेरी डिमांड क्वांटिटी की इंक्रीज़ हो रही है बराबर, तो मेरा जो कर्व है वो इस तरफ जाएगा, एक्सपेंशन की तरफ जाएगा, ना कि मेरा जो कर्व है वो किधर जाएगा, इधर की तरफ जाएगा। सो यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कर्व बनेगा कैसे आखिरकार, ठीक है। तो कर्व के लिए यहाँ पर चार चीज़ें हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, क्यों? क्योंकि सर एक तो हमने पढ़ा है इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। यहाँ पर सर कर्व ना शिफ्ट होता है, शिफ्ट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरे फैक्टर्स है ना सर वो कांस्टेंट नहीं रहते हैं, ठीक है। और एक हमने पढ़ा है सर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेंशन, ये सिर्फ क्वांटिटी में ही जो कम ज़्यादा होता है उस पर डिपेंड करता है, और यहाँ पर सभी फैक्टर्स ना कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो सर क्वेश्चन में हमें डिमांड कर्व पूछा है किसका, कोको कोला का, ठीक है। सो कोको कोला हमारा क्या होगा सर, यहाँ पर ओरिजिनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ओरिजिनल के साथ में हमें डिमांड पता करनी है, तो उसके बाकी सभी फैक्टर्स कांस्टेंट होने चाहिए, बाकी सभी फैक्टर्स में उसकी रिलेटेड कमोडिटी भी आती है, राइट। बट यहाँ पर रिलेटेड कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज़ हो चुकी है, मतलब सर हम इस वाले फेज़ में तो है ही नहीं, मतलब हम एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेंशन की बात नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर तो फैक्टर्स सर कांस्टेंट होते हैं। इंक्रीज़ हो गया है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी में, तो हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर शिफ्ट होगा, पक्की बात है। तो आपको ऑप्शंस में शिफ्ट वर्ड को ध्यान देना है, शिफ्ट होना चाहिए। अब हमारा आंसर क्या है, डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, तो जब डिमांड इंक्रीज़ होती है तो जो आपका कर्व है वो किधर शिफ्ट होता है, ऊपर की तरफ और राइट तरफ होता है, या फिर नीचे की तरफ और लेफ्ट की तरफ जाते हैं आप, राइट। आपका जो कर्व होता है वो कुछ इस तरह से जाता है, देखिए आपका कर्व होगा कुछ ऐसा, ये आपका ग्राफ है, ये आपका ओरिजिनल कर्व है। जब आपकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी तो वो आपका कर्व जाएगा बाहर की तरफ, और जब डिक्रीज़ होगी तो आपका कर्व जाएगा अंदर की तरफ। ये है इंक्रीज़ और ये है डिक्रीज़। तो आपको क्या ढूंढना है आंसर में, आपको ढूंढना है एक तो शिफ्ट होना चाहिए, या तो वर्ड राइट होना चाहिए, या तो वर्ड अपवर्ड होना चाहिए, बराबर है। चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है हमारे सामने। सो पहला ऑप्शन है शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट Since these are substitutes, substitutes है, आपने सही बोला, ठीक है। Shift होगा, आपने सही बोला, पर left की तरफ होगा, ये आपने गलत बोला, क्योंकि left में shift होता है ना तो decrease होता है, और हमारी demand decrease नहीं हो रही, हमारी demand increase हो रही है, तो ये बाहर करो, ठीक है। Shift towards right since they are substitutes, एकदम बराबर लग रहा है सर, substitute है, shift भी हो रहे हैं और right में भी हो रहे हैं। अभी देखते हैं आगे option क्या है। C क्या बोल रहा है, remain at the same level, हो ही नहीं सकता है, कुछ भी बात है। और नोटा यानी कि नन ऑफ द अबाव, कुछ भी, तो मतलब क्लियरली हमारा आंसर क्या हो चुका है, हमारा आंसर है दोस्तों बी। यस, बी हमारा आंसर है। आई होप आपको तरीका समझ में आ रहा होगा, हमने कितना डीप में जाके उसको इवेल्यूएट करा है अच्छे से, और आपका पूरा कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गया होगा कि इंक्रीज डिक्रीज में जाए कि एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में जाए, उसमें कब जाते हैं, जब फैक्टर्स कॉन्स्टेंट नहीं रहते हैं। यहाँ पर फैक्टर कॉन्स्टेंट नहीं था, रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस ऊपर नीचे हो गया था, इसलिए हम इंक्रीज डिक्रीज में जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं तो मतलब शिफ्ट हो रहा है, कम ज़्यादा होगा तो ऊपर नीचे होगा, तो वो भी हमने देख लिया। इस हिसाब से ऑप्शंस देखे बिना ही हम आंसर जानते थे, ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे लिए क्या लाया है, लेट्स सी। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड एक्सेप्ट, इन्होंने कहा है कि जितने भी आगे हम ऑप्शन देने वाले हैं वो सब डिमांड के डिटरमिनेंट्स है, यानी कि फैक्टर्स है, ठीक है। इन सभी में से क्या नहीं है, फैक्टर क्या नहीं होगा, देखिए टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है सर, क्लियरली हमको याद है, टी जिसे हम बोलते थे, ठीक है। क्वांटिटी सप्लाइड, इसमें डाउट है सर, इसको रोकते हैं। इनकम ऑफ द कंज्यूमर है सर, बिल्कुल सही, हमको याद आ गया।
एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ओके रिलेटेड आ गया तो ठीक है, अगर प्राइस होता तो सिर्फ हम इसको बाहर कर देते हैं, तो ये सर ये भी है ठीक है रिलेटेड गुड्स वाला। तो सर क्लियरली एक नहीं है क्वांटिटी सप्लाइड, ऑब्वियसली ना वो डिटर्मिनेंट थोड़ी है, क्वांटिटी सप्लाइड तो हम सप्लाइड है ना वो, हम क्वांटिटी डिमांडेड निकालते हैं और क्वांटिटी सप्लाइड से हमको क्या लेना देना, तो ये हमारा डिटर्मिनेंट नहीं है, इसीलिए हमारा जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, वो होगा बी पॉइंट। तो इस तरीके से 7 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर एंड कर दिए हैं, हम कोशिश करते हैं कुछ एक दो क्वेश्चंस इस वीडियो में और कवर कर पाए। चलिए चलते हैं, यहाँ पर जितने भी आंसर्स हम देख रहे हैं वो लास्ट में हाईलाइट हो रहा है, जो आपका आंसर है आपको समझ में आ गया होगा अभी तक, पर हम उससे पहले ही इवेल्यूएट करके हमारा आंसर चेक कर लेते हैं क्या हम भी उस सोल्यूशन तक वैसे ही पहुँच पाएँ जो उसका सोल्यूशन असली में है, वो हमने यहाँ पर देख लिया है, 7 क्वेश्चन हमने देख लिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है। सो अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व फॉर सॉफ्ट ड्रिंक्स इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, फिर से देखिए मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व इन्होंने बोला, मतलब इन्होंने बोला है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है इसको ध्यान रखिएगा। इन्होंने बोला है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है सभी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। अब सॉफ्ट ड्रिंक्स का तो इन्होंने एक प्रोडक्ट का नाम लिख दिया है, इन्होंने हमसे नॉर्मली सिर्फ ये पूछा है कि अगर कोई भी हमें मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व बताना है ठीक है, तो वो बेस्ट कैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब ये ऑप्शन देखने से पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, मेरा काम यही है। हमसे बोला गया है मूवमेंट अलोंग, ठीक है तो एक चीज़ तो ये होती है हमको मालूम है ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी चीज़ होती है शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, ठीक है। सो जब मूवमेंट की बात करते हैं ना तो हमको मालूम है कि यहाँ पर दो एक्सिस हमारे पास में ऑब्वियसली एक्स और वाई, एक्स पे हम क्या रखते हैं क्वांटिटी रखते हैं और यहाँ पर हम प्राइस रखते हैं, तो मूवमेंट अलोंग में हम क्वांटिटी की बात करते हैं, क्वांटिटी कम ज़्यादा जब भी होती है तो उसे बोला जाता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, और जब हम शिफ्ट की बात करते हैं तो शिफ्ट में जो कर्व है वो आगे पीछे शिफ्ट होता है ठीक है, आगे जाता है तो ज़्यादा होता है और कब पीछे जाता है तो डिमांड कम होती है ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, मतलब हमसे पूछा गया ऑब्वियसली क्वांटिटी की बात की जा रही है, क्वांटिटी की बात की जा रही है तो क्वांटिटी कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि हमसे सिर्फ ये नहीं पूछा है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स की डिमांड अगर कम हो रही हो तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कैसा होगा, हमसे पूछा है कि नॉर्मल मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व है तो हम उसे कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं ठीक है। तो ये तो बाहर है, शिफ्ट की बात हो नहीं रही है, मूवमेंट अलोंग की हो रही है ठीक है। ऑप्शन क्या है, एन इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है सिर्फ इंक्रीज इन डिमांड, हमेशा इंक्रीज होगा क्या मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, डिक्रीज भी हो सकता है ना, तो सिर्फ डिक्रीज नहीं। सी क्या बोल रहा है, अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ओके ये थोड़ा प्रॉपर लग रहा है, मतलब ये कह रहा है कि अगर मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व हो रहा है इसका मतलब ये है फॉर श्योर क्वांटिटी जो डिमांड हो रही है ना वो चेंज हो रही है, क्योंकि यही है ना हमारा इस एक्सिस पे, या तो ज़्यादा होगी या तो कम होगी, पर कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर हो रहा है ये हमको समझ में आ रहा है ठीक है। आई थिंक ये हमारा आंसर हो सकता है। डी क्या बोल रहा है, अ चेंज इन डिमांड, सिर्फ चेंज इन डिमांड, ये थोड़ी ना कुछ होता है, इनकम्प्लीट सेंटेंस, सिर्फ इकलौता ये भी नहीं होगा इकलौता ये भी नहीं होगा, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या हो गया, अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये हमारा आंसर होगा। देखते हैं आंसर यही है, यस सी इज़ द आंसर, कि क्वांटिटी डिमांडेड को चेंज किया जा रहा है, क्योंकि हमारी इस एक्सिस पर यहाँ पर नीचे क्वांटिटी डिमांडेड ही हम डालते हैं, तो जब भी क्वांटिटी डिमांडेड का मूवमेंट अलोंग द डिमांड का बोला जाएगा तो ये बोला जाएगा एक्सपेंशन इज द इंक्रीज एंड कॉन्ट्रेक्शन इज द डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यस। तो चेंज इन डिमांड सिर्फ क्या होता है, जो लास्ट ऑप्शन है, चेंज इन डिमांड ये सिर्फ होता है इंक्रीज और डिक्रीज के लिए, राइट पर चेंज इन डिमांड की बात नहीं कर रहे हम, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की बात कर रहे हैं। सो ये हमने यहाँ पर एग्जांपल के साथ में समझ लिया है कि कैसे यहाँ पर कर्व में शिफ्ट होता है या फिर मूवमेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, आप डिफरेंस में लिख लीजिए मूवमेंट अलोंग और शिफ्ट, मूवमेंट अलोंग में होता है क्वांटिटी डिमांडेड और यहाँ पर होता है सिर्फ डिमांड, मूवमेंट अलोंग में सिर्फ काम होता है नीचे वाली एक्स एक्सिस का और इसमें होता है दोनों एक्सिस का काम होता है, क्योंकि डिमांड ही पूरी की पूरी चेंज हो रही है। इस तरीके से आप बाइफिकेशन लिख सकते हैं ठीक है। तो यह हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 8, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 का कहना है इफ़ द प्राइस ऑफ पेप्सी डिक्रीजेस, ओके पेप्सी की प्राइस डिक्रीज हो रही है रिलेटिव टू द प्राइस ऑफ कोक एंड सेवन अप द डिमांड फॉर, हमसे बस ये बोला गया है कि जो पेप्सी की प्राइजेस है ना बच्चों वो कम हो रही है, हम लिख लेते हैं ना पेप्सी थी 20 की वो हो गई है 18 की ठीक है, कोक और सेवन अप
तो कोक और सेवन अप की डिमांड क्या होगी, कम होगी कि ज़्यादा होगी, हमसे ये पूछा गया है। तो पहले आप डिसाइड करिए कि पेप्सी, कोक, सेवन अप, ये सब क्या है? ये सब सब्स्टिट्यूट है, मतलब ये एक दूसरे के कॉम्पिटिंग गुड्स हैं। अगर एक की प्राइस कम होती है तो यहाँ के जो लोग हैं वो शिफ्ट होके यहाँ आएंगे, क्योंकि पेप्सी सस्ती होगी तो वो ज़्यादा पियेंगे, राइट। मतलब कि इनकी डिमांड तो कम होने वाली है और इसकी डिमांड बढ़ने वाली है। ओके, मतलब डिमांड फॉर कोक एंड सेवन अप विल बी इंक्रीजिंग इन द फ्यूचर। मतलब क्या होगा कि फ्यूचर में डिमांड फॉर कोक एंड सेवन अप वो तो डिक्रीज हो जाएगा, बट डिमांड फॉर पेप्सी इट्सेल्फ इंक्रीज हो जाएगा। हमसे यही पूछा जा रहा है कि कोक की और सेवन अप के डिमांड के बारे में क्या ख्याल है आपका, देखते हैं ऑप्शंस में क्या ख्याल है। कोक विल डिक्रीज, यस कोक विल डिक्रीज, बराबर है, पर अधूरी बात है क्योंकि सेवन अप विल ऑल्सो डिक्रीज। तो आंसर तो सही है बट पार्शली सही है। अगला, सेवन अप विल डिक्रीज, फिर से वही बात हो गई, सही है बट पार्शली सही है। दोनों का लिखो, दोनों की क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है भैया। क्या है, कोक एंड सेवन अप विल इंक्रीज? नो नो नो, इंक्रीज तो नहीं हो सकता क्योंकि पेप्सी की इंक्रीज हो रही है डिमांड भैया, ठीक है। कोक एंड सेवन अप विल डिक्रीज, यस दिस इज़ आर आंसर जिसका हम ढूंढ रहे हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से हम पहले ही हमारा आंसर फ्रीज कर लेते हैं समझ के, और फिर हम सिर्फ ऑप्शंस को इवेल्यूएट करते हैं। देखते हैं हमारा आंसर यही है, यस डी इज़ आर आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 तक, मतलब 1 to 9 हमने यहाँ पर इस वीडियो में क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं पार्ट 1 में, जिसमें हमने लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स है उसके कुछ क्वेश्चंस देखे हैं। हमने देखा है कि डिमांड किसे कहते हैं, डिमांड में कौन से फैक्टर्स कॉन्स्टेंट है, कौन से नहीं है, इन सब के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन देख लिए MCQ। आई होप आपको ये पैटर्न पसंद आया होगा, आपको पढ़ने में रिविजन अच्छा हुआ होगा, और यही हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम कुछ क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, उसको भी देखिएगा। सो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो ई कीड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए। देखने के लिए धन्यवाद।